ओके सो हे गाइस वस्सा वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी, आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस मेरा नाम है करण एंड आज की इस नई वीडियो में गाइस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं गाइस कुछ इस टाइप की न्यू फोटो एडिटिंग। एंड गाइस इस फोटो एडिटिंग में गाइस कुछ बैकग्राउंड पेजेस का मैं यूज करूंगा, जिन सभी का लिंक जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा की तरह मिल जाएगा, तो आप लोग इजीली वीडियो देखने के बाद जाकर डाउनलोड कर लेना। एंड गाइस वीडियो को अगर अभी तक आप सभी ने लाइक नहीं किया तो प्लीज हर वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि गाइस मैं आप सभी के लिए ऐसी एडिटिंग से रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। एंड गाइस अगर अभी तक आप सभी ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो गाइस इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर करना, क्योंकि गाइस एडिटिंग से रिलेटेड सारे अपडेट मैं वहीं पर डालता रहता हूं, तो आप लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर करना। इंस्टाग्राम को जो लिंक के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो आप लोग इंस्टाग्राम पे जाके इजीली सर्च करके आप मेरे को वहां पे फॉलो कर सकते हो। बाकी गाइस चलिए आज की इस नई वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस सबसे पहले आप सभी को करना है गाइस आप लोग को इस बैकग्राउंड को डाउनलोड करना है, इसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप सभी को, तो आप लोग वीडियो को देखने के बाद जाकर डाउनलोड कर लेना। तो अब चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सो गाइस आप सभी को जाना ऐड फोटो में, एंड गाइस यहाँ से ऐड करना आप सभी को अपने मॉडल को, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस मॉडल को मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। गाइस मॉडल को जो आपको यहाँ पे बैठाना है किस तरीके से वो मैं बता देता हूँ आप सभी को। जो मतलब गाइस जिसमें आपको जो मतलब कि एक पिलर टाइप का जो दिख रहा है, छज्जा टाइप का जिसे हम कहते हैं, तो वो आप सभी को दिख रहा होगा गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे उसके ऊपर आपको अपने मॉडल को बैठा देना है। एंड बाकी गाइस पोज वगैरह जो है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जैसा मर्जी चाहो वैसा कर सकते हो, बस यार इसके ऊपर जो आपका मॉडल जो अच्छा लगना चाहिए आपको उस टाइप का पोज करना है, ठीक है। बाकी आपको जो कुछ एक्स्ट्रा पार्ट होगा तो उसको आपको सिंपली रेस कर लेना। एंड यहाँ पे मैंने शेडो वगैरह जो पहले से बना रखी है, तो बाकी जो है आपको यहाँ पे शेडो बनाने के ऊपर अगर आपको कंप्लीट में मतलब अच्छे तरीके से समझना, तो उसके लिए मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना रखी है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उस वीडियो को जाकर जरूर देखना। तो बाकी कैसे आप सभी को क्या करना है, तो अब आप सभी को जाना है ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद आप सभी को जो है गाइस ये नारुतो का जो है स्वॉर्ड पीएनजी आपको उसको ले लेना है, ठीक है। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। तो आप इसको भी डाउनलोड कर लेना। आपको जो इसको बैक साइड में कुछ स्टेप से ऐसे रख देना है, ठीक है, इस तरीके से। एंड इसको जो आपको इसको मूव डाउन करके बैक साइड में रख देना, इसमें रिज करने का कोई झंझट नहीं चाहिए हमें, ठीक है। अब उसे बैक साइड में कर देना। बाकी नीचे की साइड में अगर कुछ आ रहा होगा तो गाइस उसको तो रिज करना पड़ेगा आप सभी को, तो बाकी आप उसको रिज कर लेना अगर आ रहा हो तो। बाकी का जितना हो गया हमारा, अब इसको हम कर लेते हैं डन। अब गाइस देखिए हमारे यहाँ पे पिक्सल का काम हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी इसमें हमें और कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। बाकी अभी हम इसको सेव कर लेंगे एंड इसको लेकर चलेंगे लाइट रूम ऐप में, क्योंकि गाइस रीटच करके इसका हमें और भी ज़्यादा रियलिस्टिक बनाना है। तो अभी हम इसको लेकर चलते हैं लाइट रूम ऐप में। तो लाइट रूम ऐप में हमने फोटो को पहले से ऐड कर रखा, तो गाइस आपको क्या करना, आपको जाना पहले लाइट वाला ऑप्शन में। तो लाइट वाला ऑप्शन में जाएंगे एंड ऐसे लाइट वाला ऑप्शन में जाने के बाद पहले कॉन्ट्रास्ट जो है इसको इंक्रीज़ करेंगे। तो अब आप सभी को फिर इसका हाईलाइट्स को जो यहाँ पे इंक्रीज़ कर देना है थोड़ा सा, एंड जो शेडो है इसको यहाँ पे थोड़ा सा इसको भी इंक्रीज़ कर देना है, एंड जो व्हाइट है इसको यहाँ पे थोड़ा सा कम कर देना है, ठीक है। एंड उसके बाद जो ब्लैक है इसको भी यहाँ पे थोड़ा कम कर देना है। फिर इसके बाद आपको चले जाना है कलर्स में। कलर्स में जाने के बाद जो आप सभी को यहाँ पे वाइब्रेशन बढ़ा देना है, एंड वाइब्रेशन बढ़ा देने के बाद आप सभी को यहाँ पे टेम्परेचर देखिएगा, आपको उसको थोड़ा सा प्लस की तरफ कर देना है। फिर उसके बाद आपको चले जाना मिक्स टूल में, ठीक है। मिक्स टूल में जाने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे पहले ऑरेंज कलर सेलेक्ट करना है, ल्यूमिनस आपको बढ़ा देना ताकि आपका फेस जो है थोड़ा ब्राइट हो जाए। उसके बाद गाइस आप सभी को यहाँ पे क्या करना है, आपको जाना येलो कलर में, एंड फोटो में येलो कलर है नहीं तो फिर भी हम थोड़ा सा ह्यू इसका बढ़ा देंगे एंड सैचुरेशन प्लस कर देंगे। फिर उसके बाद गाइस आपको जाना डार्क ब्लू में। अब यहाँ पे गाइस देखिए आप स्काई का जो कलर है यहाँ पे चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। जो मेरे को यहाँ पे स्काई ब्लू रख लेता हूँ मुझे, एंड उसके बाद कर देंगे यहाँ पे हम इसको डन, ठीक है। तो अब यहाँ पे कलर्स का भी काम हो चुका है, तो आप चलते हैं इफेक्ट में। इफेक्ट में जाने के बाद आपको यहाँ पे क्लियरिटी इंक्रीज कर देनी है पहले तो फोटो की, एंड फोटो में डालना विग्नेट। विग्नेट जरूर डालना गाइस, कि विग्नेट से जो है फोटो में एक लुक आएगा मस्त सा, ठीक है। तो आपको विग्नेट जरूर डालना। नीचे आपको यहाँ पे ग्रेन अमाउंट मिलेगा, आपको उसको थोड़ा सा बढ़ा देना है, एंड फिर चले जाना नीचे वाले टूल में। नीचे वाले टूल में जाने के बाद आपको फोटो की शार्पनेस इंक्रीज कर देनी है। फोटो में जो नोट ऑप्शन आपको उसको बढ़ा देना है, एंड इसके नीचे मिलेगा आपको कलर नोट ऑप्शन, आपको उसको भी बढ़ा देना है। तो बस फाइनली देख सकते हैं हमारी जो फोटो यहाँ पे कंप्लीट एडिट हो चुकी है। तो बस ऐसा करते हो आपकी वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आता है वीडियो को एक लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी चले मिलता हूँ सभी किसी नए वीडियो में, तब तक लिए गुड बाय।